साथ ही पुलिस से नोकझोंक करते हुए भी नजर आए। बड़ी खबर मिल रही है, शिल्पा का रुख करेंगे। शिल्पा बड़ी खबर बताइए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि सपा उम्मीदवार की नोकझोंक हुई है। स्ट्रांग रूम में जाने की बात पर अड़े हैं धर्मेंद्र यादव। उनका कहना है कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या मशील बदला जाना यहाँ पर हो रहा है, ये धर्मेंद्र यादव ने कहा। धर्मेंद्र यादव ने कहा क्या आप मशीन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी बहस के बाद धर्मेंद्र यादव को स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत जो है दी गई है। यहाँ के स्ट्रांग रूम में फिलहाल धर्मेंद्र यादव को ले जाया गया, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी आपको बता रहे हैं। इससे पहले ये आपको बता दें, आसिम रजा ने भी आरोप लगाए। आसिम रजा जो कि सपा कैंडिडेट है रामपुर से, उनका भी ये कहना है कि गड़बड़ झाला हुआ है। और अब धर्मेंद्र यादव जो कि सपा के कैंडिडेट है आजमगढ़ से, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। इसी को लेकर जो अधिकारी है उनसे नोकझोंक करते हुए यहाँ पर एक लंबी बहस जो है धर्मेंद्र यादव की चली है, जो कि आपको हमने दिखाई भी किस तरीके से यहाँ पर वो डांटते हुए अधिकारियों का नजर आए कि मुझे भीतर जाने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और वो बहस भी आपको जरूर सुनवाएंगे जब पुलिस प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक हो रही थी सपा प्रत्याशी की। साथ ही उनके द्वारा ये बहस की जा रही थी कि आखिर मुझे कैंडिडेट को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव पुलिस से नोकझोंक करते नजर आए, सुनवाएंगे आपको। अरे भाई स्ट्रॉन्ग रूम खुला है, उम्मीदवार को नहीं जाने दे रहे, क्या षड्यंत्र है आपका? स्ट्रॉन्ग रूम कैसे नहीं जाने दोगे? अरे मिलाइए ना अपने डीएम कप्तान को फोन, मिलाइए फोन, मिलाइए फोन अपने डीएम कप्तान को, क्या व्यवस्था दी है? ये समाजवादी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत भाई मिला रहे ना आप, मिलाइए डीएम। भाई कैंडिडेट है, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा तय करो। क्यों नहीं जाएंगे स्ट्रॉन्ग रूम? कौन देखेगा कैंडिडेट नहीं जाएगा तो? डीएम से बात करना, कौन बात करेगा? ये बताए ना कर्मचारी। अरे एडीएम बताए ना, मैं अगर स्ट्रॉन्ग रूम जाऊंगा कैसे जाऊंगा? नहीं आपके वकील साहब देखे, कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा, दावत करते हो? किस कानून से आए हो तुम? पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, पांच बार चुनाव लड़ रहा हूँ, कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट सैतालीस नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे जाएगा कैंडिडेट? घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे आप? अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे आप? जल्दी से जल्द कर सकते हैं आप? ऐसे नहीं बात कर सकते, बिल्कुल नहीं बात कर सकते। भाई स्ट्रॉन्ग रूम कैसे नहीं जा सकते? स्ट्रॉन्ग रूम कैंडिडेट कैसे जा सकता है? भाई स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा कैंडिडेट? स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा? किसी नहीं जाएगा? नियम बताइए ना मुझे, आप नियम बताइए मुझे। मैं खुद कैंडिडेट हूँ यार, हम लोग कैंडिडेट हैं, बात कराओ डीएम साहब से ना, हम लोग कैंडिडेट हैं। आप बात करिए अपने डीएम से, बेईमानी कराने के मूड में, बेईमानी कराना चाहते हो, मशीन बदलना चाहते हो अंदर? ये बताइए, अंदर मशीन बदलना चाहते हो? हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन वहाँ? ये लोग बेईमानी कराने के मशीन बदलना चाहते हो अंदर से? हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम जाएंगे स्ट्रॉन्ग रूम। भाई स्ट्रॉन्ग रूम कैंडिडेट कैसे नहीं आ सकते? किसी से नहीं जाएगा? बेईमानी कराने के मूड में चल रहे हैं लोग, बेईमानी कराएंगे। क्या हम छोड़ जाएं काउंटिंग? हम काउंटिंग छोड़ चले हैं गिंदो? हम लोग कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। भाई कैंडिडेट के स्ट्रॉन्ग रूम जाएगा कि नहीं जाएगा, यस नो? हम लोग कैंडिडेट हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम जाएंगे। आपने डायरेक्शन करिए, वहाँ मशीनें बदली जा रही है अंदर।